अब हम पढ़ेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में। जब भारत आजाद हुआ था तब द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या मतलब था? द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं है, जबकि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का देश है। इस आधार पर इंडिया का विभाजन ब्रिटिश सरकार के अनुसार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हुआ।